आलोक्य ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थम जन्म राशि सका साध्य केचित दृष्ट चतुर अष्टम द्वादश स्थान स्थित कुरूर ग्रह तेई सूचितम सूच्य यच्च मानं च यत सर्वादिष्टम तद विनाशक द्वारा सर्वत्र तृतीय एकादश स्थान स्थित फल प्राप्त्यर्थम पुत्र पौत्रादि संतति विचिन्न वृद्ध्यर्थम आदित्यादि नवग्रह अनुकूलतः सिद्ध्यर्थम इंद्रादि दश दिक्पाल देवतः प्रसन्नार्थम आदिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध प्रसाद द्वारा श्री मद भागवत कथायाम अष्टम दिवस है प्रातया बेलायाम गणेश गौरी पूजनम अस्मिन् कुंडे कुंडस देवता आवाहनम पूजनम पंच भूत संस्कार संकल्पम अहम करिष्ये ओम गज्जाग्रदोरंगोतिगम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिवसं कल्पमस्तु। हमारे जो कार्यकर्ता भैया दो चार ब्रेक ले लीजिए, ये माता सभी लोग संकल्प उसमें छोड़ देंगे। जल्दी जल्दी करा करो भैया, वंदे भारत वंदा जैसे मोदी जी ने बनाई है। यजमान लोग हाथ में पुष्प चावल ले लीजिए। देखिए सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करेंगे। आप लोगों के पास यदि कोई खाली पत्थर रखते हैं उसमें छोड़ दीजिए। चलिए इधर ध्यान दीजिए, मुख्य यजमान जो है पैसे लेते रहेंगे, जो लोग कार्यकर्ता हैं आप लोग उधर ध्यान दीजिए। मुख्य यजमान लोग हाथ में पुष्प चावल लेके पहले गणपति भगवान का ध्यान करेंगे। हरि ही ओम गणानंदवा गणपति गुं हवामहे प्रियानंदवा प्रियपति गुं हवामहे निधिनंदवा निधिपति गुं हवामहे वसुं गमुआ हमजानि गर्भनम पवजासि गर्भदम्बा अम्बे अम्बे केम्बालिकम नमानयति रसलः सुसुतगः सुभद्रिका काम्पीलपाशनिम्बा भगवति गणेशम्बिकाभ्यां नमः ध्यानार्थयासनार्थय चतुष्पु समर्पयामि। छोड़ दीजिए। अब देखिए भाई हाथ में पुष्प और चावल ले लें। मुख्य यजमान जो है देखिए बातें कोई ना करें, आप लोग बातें करेंगे और हम लोग आपको समझा रहे हैं, एक एक करके इतनी मेहनत कर रहे हैं है? हमारा गला भी बैठा हुआ है इसलिए जोर जोर से बोल रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आए। काली अग्नि में आहुति छोड़ने से कल्याण नहीं होता, उसके बारे में जानकारी भी होना जरूरी है, इसलिए आपको आराम आराम से बता रहे हैं हम लोग। यजमान लोग बाएं हाथ में चावल ले लें। अब देखिए आप लोगों के सामने कुंड बने हुए हैं, कुंडों में तीन परती होती है। इन तीन परती को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, ये तीन गुण होते हैं। तो सबसे पहले किसका ध्यान करेंगे? पहली परती पर यजमान लोग ध्यान दें, सबसे ऊपर वाली परती पर भगवान विष्णु जी का ध्यान करेंगे। कैसी परती होती है? श्वेत प्रकार की, यानी सफेद कलर की होती है, उनका ध्यान करेंगे। देखिए जो आप लोगों के पास जो है आप लोगों ने संकल्प लो, उसको वही छोड़ दीजिए और आगे ध्यान दीजिए। भाई आपका चावल रख लीजिए और सबसे पहले विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे। हरे ही अम्मा एकदम विष्णु जबाजी हरि राम एदम विश्वि चक्रमे त्रेदा निदे पदम समुद्र शिवगुं सूरे स्वाहा ओम विष्णवे नमः। सबसे ऊपर वाली विष्णु भगवान की ऊपर पर्दी पर छोड़िए भैया, सबसे ऊपर वाली पर्दी पर व्यास जी बताते चलिए थोड़ा सा सबसे ऊपर। अब दूसरे नंबर की किसकी होती है? ब्रह्मा जी की, लाल कलर की। ब्रह्मा जी का ध्यान करेंगे। हरे ही अम्मा ब्रह्मा यगनम ब्रदमं पुरुदान सीमतः सूरजुग्वेन आवह सवग्नापुमसविष्ठः सतसयो निमस्तसभिवः ओम वृष ब्रह्मणे नमः। दूसरे नंबर की पर्दी पे हाँ। अब देखिए तीसरे नंबर की पर्दी है, इसको हल्का काला भी बोल सकते हैं रूप को है ना, इसमें होते हैं शंकर भगवान का। हरे ही अम्मा नमस्ते रुद्रमन्या उद्भूत इगवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः रुद्र देवताये नमः ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षत पुष्प समर्पयामि। अब देखिए खाली आप लोग
दो आगे के कुंड वाले, दो पीछे के, बीच वाले लोग हाथ में चावल सभी लोग ले लें। ब्रह्मा जी का ध्यान करेंगे जो मुख्य बीच में बनाए हुए हैं। ब्रह्मा जी हमेशा दक्षिण दिशा में होते हैं क्योंकि दक्षिण में क्या है, यमपुरी। तो हमारे इस यज्ञ की रक्षा कौन करते हैं, देखरेख कौन करते हैं, ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी को क्या बोलते हैं हमारे शास्त्र, चतुर्मुखी। उनको एक एक ही जगह खड़े खड़े होकर चारों जगह देखने को कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए ब्रह्मा जी का ध्यान करेंगे और उसको बोलते हैं पूर्ण पात्र। वैसे तो विचार ये होता है कि 256 विशाल मूर्ति से भरा हुआ पात्र होना चाहिए और उसके अभाव में कोई दक्षिणा रखवा देते हैं। हरे ही ओम महा ब्राह्मणो समीर बाहू राज शूद्रो अजायता ओम ब्रह्मणे नमः आवायामी स्थापयामी पूजयामी ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षत समर्पयामी ही। ब्रह्म पात्र में छोड़ दी। देखिए माता जी का स्वरूप बना हुआ है, यहाँ से आप लोग घी का पात्र छोड़ेंगे। योनि माता स्वरूप है, यहाँ पर आप लोगों के सामने जो चारिता रखी है। हरि ही अम्मा अम्बे अम्बे किम बालिकम नमानय दिगसन सुभद्रिका कांपील वास निम्मा योन्ये नमः ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षत पुष्प समर्पयामि ही। हाँ जी अंशु पंडित जी या ब्यास जी करे हैं या